टीएमसी का एक मूव जो हमने देखा है और स्पेस में जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, निपॉन लाइफ इन लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे सस्ता एसेट कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो गिरावट की अपॉर्चुनिटी को हमेशा अवेल करना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो निपॉन लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस इतने आज नीचे मिल रहा है 6%, ये क्लियर बाई है। आप बाई करेंगे तभी पैसा बनेगा। ब्लाइंड बाय था 250 रुपए में निपॉन लाइफ, और 262 में तो ऑफर फॉर सेल आया था सबको, रिटेल को हमने तो बोला भी था बरबर के लिए चालू हुआ था जब ये आ चुका था न्यूज़ वहाँ पे, तब से तो डर रहा है। बायबैक कुछ 240 का था शायद, 240 का बायबैक था, 262 पे ऑफर फॉर सेल आया, 212-214 था तब ये बायबैक का न्यूज़ आ गया था। ब्लाइंड बाय। अभी आप पता नहीं, अब आएगा नहीं इतना नीचे कि अब 325 भी मिलेगा क्या, पता नहीं। लेकिन 325 तो मुश्किल नहीं ना। बागले जी, ये क्या HDFC AMC जैसे मूव की तैयारी हो रही है, इसमें ऐसा लग रहा है चार्ट्स पे? इतना तो स्ट्रांग फ्रेंकली संदीप नहीं लग रहा है HDFC AMC, आज नहीं तो कल लगेगा। ये मतलब स्लोली चलने वाला स्टॉक है, उसकी रीजन है बागले। इसका लाइफ, इसका 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई बता सकते हो क्या आप? अगर आपके पास डेटा है जैसा संदीप जी आप भी ढूंढिए, तो मैं बताता हूँ क्यों क्यों नहीं चल रही है और कब चलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हाँ प्लीज। आप मुझे 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई बता दीजिए जरा, तो पता चल जाएगा। इतना टाइम कैसे लगता है अगले साल आपको? नहीं, वो कोड अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। अच्छा, पेमेंट तो बराबर कर रहा है सॉफ्टवेयर का टाइम से, मैं लिमिटेड डेटा ले रहा हूँ, 52 हफ्तों की हाई का नहीं ले रहा। हालांकि वैसे दोनों ही संदीप एक जैसे ही है, इधर ग्रोवर साहब भी कोई जल्दी नहीं कर पा रहे। मेरे पास हाई तो है लेकिन लाइफ टाइम हाई नहीं है। हाई कौन सा है? 378 का लाइफ इसका वही है, 52 हफ्तों का वही होगा, वही होगा, यही लाइफ हाई है, यही करंट हाई, करंट प्राइस ही लाइफ टाइम हाई है। अब ये है ना, वो 378 बंसल जी वाले ब्लू स्काई जोन में जा रहा है। बंसल जी, आपने कब रिकमेंड किया था इस स्टॉक को? अनिल जी, मैंने 291-292 पे रिकमेंड किया था रिलायंस निपॉन को। बिल्कुल, स्टॉक ये चलेगा आराम से, मतलब कोई जिसके पास है उसको बेचने का सोचना नहीं चाहिए, बस सिंपल चीज है। आप बताने वाले थे कब चलेगा, बेचे पार करती वही तो, इसलिए तो पूछा है। हाँ, अच्छा। मतलब जितनी सप्लाई है, अब मुझे नहीं पता ये अगर रिसेंट हाई है कि पुराना हाई है। अगर रिसेंट हाई है तब तो वैसे भी चलने का टाइम है इसका, और अगर क्या है पुराना बहुत ऊपर से गिर गिर के आया और वहाँ के लेवल के फंसे हुए लोग हों, एक बार मेरे ख्याल से सारी सप्लाई निकल गई, जो अटके हुए लोग थे सब बेच बेच के निकल गए, अब इसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, रास्ता खुला हुआ एकदम। बाकी सब अगर आप 1 से 1.5 साल के व्यू से चार्ट देखते हैं, क्योंकि इसका डेटा लिमिटेड है, मेरा 450 का व्यू है, लेकिन ये आप अगले महीने में 15 दिन में ये कहना मुश्किल है, टाइम नहीं पता ना, भाव पता है, भाव पता है, 450 का 1 से 1.5 साल में आएगा। अभी 369-370 क्या आपको 333-340 में मिलेगा? शायद मिलेगा, वो मैं कह नहीं सकता, वो मेरे लिए आइडियल एंट्री है, 300 के नीचे जाना नहीं है। करेक्ट। और 450-480 का लेवल है। परफेक्ट, डन, कंप्लीट रिसर्च। जो लोग सोचते हैं कि खाली ट्रेडिंग वाली टिप्स मिलती है, भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सब बताया जाता है। अब हर वक्त माहौल और मूड के साथ ये इन्वेस्टर्स को SIP करने वाला स्टॉक है। एग्जैक्टली, फंड में भी करिए और फंड खोल जो फंड चलाने वाले कंपनी में भी करिए, ठीक है, दोनों में करिए SIP। ये है आपके लिए रिलायंस निपॉन पर आए, रिलायंस हटा लीजिए, निपॉन म्यूचुअल फंड हो चुका है ये अब।